हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। और सुनाओ क्या हाल चाल है? मेरी फैमिली बोलूँगी, दोस्त यार में जो भी है, मेरी फैमिली भी गिनूँगी आप लोग को। और आज मैं ना खिचड़ी बनाऊँगी, सिर्फ सिंपल एक खिचड़ी रहेगी और चटनी रहेगी, क्योंकि तबीयत पानी सही नहीं है। ये बाज़ार भी थोड़ा दूर है, तो कल इंशाल्लाह मैं बाज़ार लाऊँगी पूरा, तो फिर आगे की रेसिपी बताऊँगी आप लोग को। अभी फ़िलहाल उड़द की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। उड़द की दाल की खिचड़ी काफ़ी लोग नहीं बनाते हैं, बहुत से जन बना के खाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करना है इसकी खिचड़ी कैसी है, मुझे बताना कमेंट। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत प्यारी है, बहुत फायदेमंद रहती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, दो कांदा है और 4 इंच मेरे हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, और 1 स्पून नमक है, थोड़ा जीरा है, क्योंकि जीरा तो मैंने हमेशा बोली ना, मेरे को हर चीज़ में लगता है, क्योंकि गैस वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे टेस्ट आने के हिसाब से। और ये 2 गिलास चावल है मेरा, 100 ग्राम दाल है, मतलब आधा किलो चावल को 100 ग्राम दाल बहुत है। और ये मेरा कुकर है, इस कुकर में चढ़ाऊँगी मैं, मेरी खिचड़ी बन जाएगी। कुकर में बनाएंगे तो दाल और चावल अच्छा गल जाता है। ये मैं तेल डालूँगी, 3 प्यारी छोटी प्यारी, 3 या 3.5 डालूँगी। ये मेरी 3 हो गई है, आधा चम्मच और डालूँगी। आप लोगों को तेल बताई थी, तेल गर्म हो गया, मैं तेल में पहले जीरा डालूंगी, सॉरी बिस्मिल्लाह, तेल हमारा कांदा डालूंगी, तेल मैं नमक के साथ डाल दूंगी, नमक से ज़रा कांदा लाल होता है, दोनों साथ ही डालूंगी। मिर्ची नमक दोनों साथ में डालूंगी। मैं 5 मिनट ये कांदा थोड़ा सा 5 मिनट चली, उसके साथ मुझे दाल डालना है। दाल है ना, कांदे से फिर लाल करना, ताकि थोड़ा सौंदा बनाता है, दाल भी बड़ी गल जाती है तेल के साथ, अच्छी भुने जैसी आती, कच्ची नहीं रहती। मैं चावल दाल अलग अलग भिगाएंगे, तो छिलका उतरने नहीं देंगे, 10 मिनट दाल भिगाने वाली, तो छिलका उतर जाएगा तो खराब लगेगा। और इसकी खिचड़ी इंशाल्लाह आप लोग खा के बना के खाइए और बताइए कमेंट में कैसी बनी। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत सब सोचते थे काली रोटी खिचड़ी, काली की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी थी, मगर हमने भी घर बनाते हैं, हम लोग खाते हैं, इसलिए आप लोग जो खा रही हो रेसिपी बता रही हूँ। ये खिचड़ी बना के खाओ, खा के बताओ कमेंट में कैसी है। और उसके साथ मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन भी डाल दी और उसको मैं काफ़ी भूनूंगी। ये मेरा देखो दाल भुने गई पूरी, कांदा तो मुझे कच्चा पका ही रखना है, कांदा इसमें डालने की आ जाएगा, पूरी देखो चटक चटक तेल छूने लगे हैं। अभी मैं 1 गिलास से 2 गिलास चावल लेंगे तो 4 गिलास पानी डालूंगी, पानी डाल के पानी औटेगा तो फिर मैं चावल डालूंगी। देखो मैंने गलती कर दी, 5 चम्मच हटाएंगे, पानी ऊपर चले गया। देखो 7 महीने की हो गई है, ये केरला में आके हुई है, हमारे इधर मुंबई का बच्चा केरला में हुआ है। ये मेरी प्यारी सी बोली सी मिली नवाज, अम्मी सबको सलाम करो, अम्मू सलाम करो ना, सलाम करो, हाथ निकल के सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे देखो सब मिले, एक नया मेहमान दिखा, देखो सबको दोस्ती करो, सबको सलाम करके दोस्ती करो, खैरियत पूछो। इसमें है चलेगा, खिचड़ी नरम ही बनना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं बनना चाहिए। ये मैं चावल डाल दी हूँ, ये दो पूरा मिक्स कर दी हूँ, और इसमें 1 सीटी लगा दी हूँ, बस 1 सीटी लगा के रेडी खिचड़ी। ये मैं कुकर लगा दी, बस 1 सीटी में आज की मेरी खिचड़ी तैयार। ये देखिए हम लोग लव बर्ड्स पालते हैं, ये मेरे घर के लव बर्ड्स हैं, इन्हें हम 3 साल से पाल रहे हैं। चुम्मी इनकी सबके नाम है, देखो ये फेरोजी वाला हमारा चुम्मी है, बहुत समझदार है, ये 3 साल का हो गया, ये लोग भी हम लोग मुंबई से यहाँ तक सफ़र करके लेके आए। ये मेरी दूसरी बिल्ली, एक वाइट हुए एक सुरमई नाम रखे इसका भी, मेरी 7 बिल्ली हमारी, ये और पूरी चीज़ें निकालना नहीं होगी, गैस निकालना नहीं होगी।
और इसमें कम लेगा। और खिचड़ी के साथ ये चटनी लगी, इसमें कोथमीर है, पुदीना है, चार सबसे चार मिर्ची मेरे हिसाब से, चार फली है, लहसुन की, एक टमाटर और थोड़ी इमली के थोड़े पत्ते। ये खिचड़ी के साथ यही चटनी बना के आप खाना और खा के बना के खा के देखो कमेंट बताइए कि कैसा बना। ये पानी में मैंने धो दी हूँ, आप लोग के सामने मिक्सर में सब डाल दी हूँ, इसमें नमक वगैरह डाल के मैं पीस के बताती हूँ। मेरे हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ, देखो आप लोग अपने हिसाब से डालो, मगर ज़रूर ये खिचड़ी और ये चटनी ट्राई करो और मेरे को कमेंट में बताइए कैसा बनी और खा के एक बार ट्राई करके बताओ। मेरी चटनी देखो हो चुकी है प्यारी सी, हल्की सी खट्टी खट्टी, और खिचड़ी से सब खाते देखो मेरी खिचड़ी देखो हो गई रेडी। आपको चमचे करके बताती हूँ, चमचे करके बताती हूँ, पूरी मिक्स करके कितनी फरारी और कितनी प्यारी बनी मेरी, कितनी अच्छी बनी है, एक बार आपको ट्राई करो और पता मुझे कमेंट कैसी बनी। देखो खिचड़ी हो गई हमारी, आज की रेसिपी हो गई हमारी, जो हम बनाए वो डाले। मेरी बहन लोग बोले तू जो भी बनाएगी बेटा तू डाल, तो इसके लिए मैंने आज खिचड़ी बनाई और चटनी, और मेरे घर का बना हुआ अचार है और मेरी चटनी भी बहुत ठीक है, और ये मेरे घर का बना हुआ अचार इसका इडली इंशाल्लाह मैं डालूँगी मसाला, हमने बताना किसी को अगर अर्जेंट है तो मैं बता दूँ इसका मसाला क्या है, और ये ककड़ी है, सलाद और खिचड़ी, इंशाल्लाह आओ खाने में आप लोग, और दुआ में याद रखो। और मुझे बेटा क्या बोलते बोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और दुआ में याद रखो। आप लोगों की ज़रूरत है बहुत मुझे, आप लोग हेल्प की, मुझे कैसा करना है क्या है कमेंट बताओ मुझे, आप लोगों प्यार की बहुत ज़रूरत है आप लोग की, नहीं तो मैं तो बोलते ना आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए आप लोग हर चीज़ में याद रखो इंशाल्लाह, मैं भी आप लोगों को हर चीज़ में दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।